अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स मिलर एंड हार्ले जोलोजी से अच्छा अब बर्ड्स की जो एक्टिविटीज़ है ना सेक्सुअल एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व की गई हैं और इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले है टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि अपना एरिया डिफाइन कर लेते हैं कि कहाँ पे उन्होंने मेटिंग करनी है नेस्टिंग वगैरह करनी है हर जो बर्ड है वो अपना एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर लेता है जिसको हम क्या कहते हैं टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट फाइंडिंग मेट्स सेकंड पे वो क्या करता है पार्टनर ढूंढता है और जब पार्टनर मिल जाता है तो थर्ड पे क्या होता है नेस्ट बनाए जाते हैं नेस्ट बनाने के बाद एग्स की इंक्यूबेशन की जाती है और उसके बाद यंग्स को फीडिंग दी जाती है ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये बर्ड्स की रिप्रोडक्शन में आते हैं अब आपको पता होना चाहिए कि जो बर्ड्स है ना वो एग ले करते हैं जिसकी वजह से हम उनको कहते हैं ओवी इसके अलावा दो और टर्म्स भी हैं: है पैरस, पैरस ठीक है वी वी पैरस क्या होता है कि यंग वंस जो हैं, वो हैच होते हैं और ओवो वी, वी पैरस में क्या होता है उसके एग से यंग वन जो है वो हैच होता है और इंटरनल उसकी डेवलपमेंट होती है अच्छा उसके बाद गुनेड्स बर्ड्स में जो गुनेड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डोर्सल साइड पे अबडोमन की किडनी से बिल्कुल आगे नेक्स्ट टू किडनी गुनेड्स कहाँ पे हैं डोर्सल अबडोमिनल रीजन नेक्स्ट टू किडनी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो टेस्टिस जो है वो पेयर्ड होते हैं ठीक है और एनलार्ज हो जाते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन इसके अलावा क्वाइल ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम वेजा वेन्शिया कहते हैं और ये स्पर्म कंडक्ट करती हैं क्लोएका तक वेजा डिफ्रेंशिया की एनलार्जमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं सेमिनल वैजिकल। सेमिनल वैजिकल का, का काम क्या होता है स्पर्म स्टोरेज एंड स्पर्म मैचुरेशन मेटिंग से पहले स्पर्म स्टोर किए रखता है और स्पर्म को मैच्योर भी करता है मतलब उनकी मैचुरेशन में इन्वॉल्व होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जरा रिपीट करें पेयर ऑफ टेस्टिस जो एनलाज हो जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के दौरान क्वाइट ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम वेजा डिफरेंशिया कहते हैं और वो स्पर्म को लेके जाती हैं क्लोएका तक वेजा डिफरेंशिया की जो एनलार्जमेंट होती है वो सेमिनल वेसिकल है जो स्पर्म स्टोर करती है और स्पर्म मेचुरेशन में इन्वॉल्व होती है उसके बाद इंट्रोमिटेंट ऑर्गन या फिर कॉपुलेट्री ऑर्गन मोस्टली बर्ड्स में कॉपुलेट्री ऑर्गन नहीं होता कुछ बर्ड्स में होता है सिर्फ वाटरफॉल में और ऑस्ट्रिच में अच्छा अब जब कॉपुलेट्री ऑर्गन ही नहीं है तो स्पर्म ट्रांसफर कैसे होगा स्पर्म ट्रांसफर होगा कलोएकल कॉन्टेक्ट से मेटिंग के दौरान क्लोएकल कांटेक्ट होगा जिसके थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होगा अब ये तो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फीमेल में भी टू ओवरीज होती हैं ठीक है लेकिन जो फुली डेवलप्ड ओवरी होती है ना वो सिर्फ लेफ्ट साइड वाली होती है अच्छा अब ओविडक्ट की ना फनल शेप ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं ऑस्टियम Osteum क्या करती करती है? है है कर कर लेती को को और और यानी के दो काम हैं। एक तो cover कर लेगी ओवरी को और दूसरा egg रिसीव करेगी after ovulation. अब कहां पे होगी ओविडक्ट के अपर रीजन में इसके अलावा ओविडक्ट के कुछ रीजन ऐसे होंगे जहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या करेंगे करेंगे एल्बोमिन और एल्बोमिन क्या करेगी सराउंड करेगी को ठीक है ग्रेजुअली जैसे जैसे पैसेज से गुजरेगा पाथवे से गुजरेगा उसको एल्बोमिन जो है वो सराउंड करती जाएगी नेक्स्ट है शेल ग्लैंड शेल ग्लैंड कहां पे होता है लोअर रीजन ऑफ ओविडक्ट में अपर रीजन में क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन लोअर रीजन में क्या है शेल ग्लैंड है

अपर रीजन ऑफ ओविडक्ट में इसके अलावा जो ग्लैंडुलर रीजन होते हैं वो एल्बोमिन सेक्रेट करते हैं शेल ग्लैंड होता है लोअर रीजन में जो शेल सेक्रेट करता है और ओविडक्ट ओपन होती है आउटसाइड टू क्लोएका अच्छा अब हमने स्टार्ट में कुछ स्टेप्स पढ़े थे बर्ड्स की रिप्रोडक्शन के सबसे पहले कौन सा स्टेप था टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट अब टेरिटरी जो बनाते हैं ना एस्टेब्लिश करते हैं मेटिंग से पहले करते हैं ठीक है अब टेरिटरी एस्टेब्लिशमेंट का फायदा क्या है सबसे पहला फायदा तो ये है कि बर्ड्स को मेटिंग करने में किसी दूसरे की डिस्टरबेंस नहीं होती ठीक है दे डू मेटिंग विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टरबेंस इसके अलावा वहाँ पे वो नेस्ट बनाते हैं ठीक है उनको नेस्ट की लोकेशन मिल जाती है इसके अलावा टेरिटरी समटाइम्स फूड भी प्रोवाइड करती है अब जिन बर्ड्स ने ब्रीड करना होता है ना जो ब्रीडिंग बर्ड्स होते हैं वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत करते हैं ठीक है ठीके? वैसे इनमें ना क्या होता है कि खतरा बहुत ज्यादा होता है कि हमला हो जाएगा टेरिटरी पे लेकिन फाइट्स जो हैं वो इतनी कॉमन नहीं है थ्रेट्स कॉमन है फाइट्स कॉमन नहीं है उसके बाद सेकंड में क्या है टेरिटरी बन गई ठीक है सेकंड स्टेप कौन सा है मेटिंग करनी है अच्छा अब मेटिंग कैसे होगी कि जो अपोजिट है ना वो अट्रैक्ट करेंगे टेरिटरी की हेल्प से ठीक है यानी जो मेल है उन्होंने टेरिटरी अपनी स्टेब्लिश कर ली अब फीमेल जो है वो उस टेरिटरी को देख के अट्रैक्ट होगी जैसे मेल वुड पैकर क्या करता है ट्रीज पे ड्रम करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए ग्रोज क्या करते हैं वो लॉग्स पे अपने जो उनके विंग्स है ना उनकी फैनिंग करते हैं ठीक है क्रेन्स क्या करते हैं डांस पर एक परफॉर्म करते हैं जिसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जैसे स्टेपिंग है बोइंग है स्ट्रेचिंग एंड जंपिंग टू तो इम्प्रेस देयर मेट्स अच्छा अब जो मेटिंग होती है ना ये क्विकली होती है लेकिन मैनी टाइम्स होती है क्विकली यानी टाइम कम लगता है इसमें लेकिन बार-बार एक्शन रिपीट होता है क्यों रिपीट होता है ताकि जितने भी एग्स जो तो है ना उन सब की फर्टिलाइजेशन को इंश्योर किया जा सके अच्छा उसके बाद हम बर्ड्स के लाइफस्टाइल पे बात करते हैं बर्ड्स तीन तरह से रहते हैं ठीक है फर्स्ट वन क्या है मोनोगेमी नाम इंडिकेट कर रहा है है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि सिंगल मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी इनमें क्या होता है कि सिंगल मेल और फीमेल होती है एक पेयर होता है ठीक है सीजन में और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो लाइफ टाइम के लिए पेयर बना लेते हैं जैसे स्वाम्स हैं गीज है और ईगल्स हैं ये लाइफ टाइम के लिए पेयर बनाते हैं उसके बाद हम बात करते हैं कि मोनोगेमी किन बर्ड्स में होती है या किन एरियाज में होती है तो मोनोगेमी वहाँ पे कॉमन होती है जहाँ पे रिसोर्सिज वाइड हों और इवनली डिस्ट्रीब्यूट है यानी रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं और हर एरिया में रिसोर्सिस प्रेजेंट हैं और इसके साथ साथ एक बर्ड जो है ना उसकी सिर्फ एक्सेस नहीं है बल्कि तमाम जो उस एरिया में रहने वाले बर्ड्स हैं उनको ईजिली अवेलेबल हैं सारी रिसोर्सिस अब मोनोगेमी का फायदा क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है वो नेस्ट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं दोनों पेरेंट्स जो हैं वो यंग्स की हिफाजत करते हैं और सम टाइम अपनी ड्यूटीज डिवाइड कर लेते हैं कि एक पेरेंट क्या करता है वो इंकोबेशन देता है और एग्स को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा पेरेंट क्या करता है कि वो फूड ढूंढ के लाता है इस तरह मोनोगेमी जो है ना उसका फायदा होता है नेक्स्ट जो है वो है पोली गाइनस पोली यानी मैनी गायनस गायनी का वर्ड फीमेल के लिए यूज किया जाता है अब इसमें क्या होता है सिंगल मेल होता है और मैनी फीमेल्स हैं अब फीमेल्स क्या करती हैं यंग्स की और एग्स की टेक केयर उनकी हिफाजत करती हैं ये उन स्पीशीज में होता है जहाँ पे डेवलपमेंट के बाद या हैचिंग के बाद एग्स जो है ना उनको इतनी ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती उसके अलावा ये उन सिचुएशन में कॉमन होता है जहाँ पे पैची डिस्ट्रीब्यूशन है पैची डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि एक बहुत बड़ा एरिया है और कहीं कहीं पे जो है ना वो प्रेजेंट हैं फूड वगैरह एग्जाम्पल इसकी हमारे पास आ जाती है प्रेरी चिकन इसमें मेल जो है ना वो ग्रुप्स की फॉर्म में आते हैं यानी कह लें कि वो खुद को ना शो कर रहे होते हैं कि फीमेल हमें चूज कर लें तो जो मेल सबसे सेंटर में होता है ना फीमेल उसको प्रेफर करती हैं लास्ट वन है पोली एंड्रस पोली यानी मैनीस का वर्ड यूज होता है मेल के लिए अब इसमें सिंगल फीमेल मेटिंग करती है मैनी एग्जाम्पल आ जाती है सैंड पाइपर्स की जिनमें फीमेल जो है वो लार्ज होती है एज कंपेयर टू मेल और वो क्या करती है कि हर मेल के लिए जिसके साथ वो मेटिंग करती है उसके लिए एग ले करती है और अगर किसी मेल के एग्स जो है ना वो कह लें कि परिडेटर की वजह से खराब हो जाते हैं या वैसे खराब हो जाते हैं तो फीमेल उन एग्स को रिप्लेस भी करती है उसके लिए इसमें प्रोडक्शन ज्यादा होती है अच्छा अब इसका फायदा होता है क्यों इसका फायदा इसलिए है क्योंकि एग प्रोडक्शन ज्यादा है और फायद, ये फायदा मंद होगी कब जब फूड बहुत ज्यादा होगी ठीक है लेकिन इसमें ना प्रीडेटर्स का खतरा बहुत ज्यादा होता है इसलिए एक्स कम जो है ना वो सरवाइव कर पाते हैं इसके बाद क्या होता है नेस्ट कंडक्शन होती है जब पेयर बन जाता है तो नेस्ट बनाते हैं ये ठीक है और फीमेल इनिशिएट करती है नेस्ट मेकिंग को कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो नेस्ट नहीं बनाते जैसे पेंगुइन है पेंगुइन क्या करता है कि वो अपने फुट में ना एग को स्टोर कर लेता है और उसके फुट के ऊपर ना एक स्किन की लेयर होती है जिसकी वजह से एग को प्रोटेक्शन मिलती रहती है इसलिए वो नेस्ट नहीं बनाता तो ये था रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स स्टे कनेक्टेड फॉर मोर लेक्चर्स थैंक यू